नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को बताया है महिला विरोधी। आरएसएस के लोग जय सियाराम का नारा नहीं लगाते हैं, भगवान राम की भावना को आरएसएस के लोग नहीं अपनाते हैं। आरएसएस संगठन में एक भी महिला नहीं है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने आरएसएस को महिला विरोधी बताया और कहा कि आरएसएस में एक भी महिला नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताया और कहा कि आरएसएस के लोग जय सियाराम का नारा नहीं लगाते हैं, भगवान राम की भावना को आरएसएस के लोग नहीं अपनाते हैं। आखिर क्यों आरएसएस के संगठन में एक भी महिला नहीं है, यह सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। वो सियाराम जय सियाराम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है, तो वो जय सियाराम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती। सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही है, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी? तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम, तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के इस सवाल पर, सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी जी से बीजेपी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि जो लोग नकली हिंदू बन रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर जाते हैं, वोट के लिए मंदिर जाते हैं, वो बीजेपी को संदेश देने का और बीजेपी को कोई अपनी तरफ से एक बिना वजह के सलाह देने का ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में जो समाज की छवि, समाज में जो छवि बनी है और कांग्रेस की क्या छवि है, ये पूरा देश जानता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में इंजीनियर के घर पर छापेमारी हुई है। घूस लेते गिरफ्तार हुआ है इंजीनियर। बड़ी खबर, घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है इंजीनियर और पटना से ये गिरफ्तारी हुई है। इंजीनियर के घर से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही 27 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए गए हैं। पटना में घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है इंजीनियर और इसके साथ ही घर से 1 करोड़ कैश बरामद किया गया है। 27 लाख के गहने भी टीम को मिले हैं। सहयोगी संजीव राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है इंजीनियर को। आप बिल्कुल चारू, देखिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करी, लेकिन भ्रष्ट जो अधिकारी है पदाधिकारी को लगातार पकड़े जा रहे हैं। जो पूरा मामला है ये संजीव कुमार है, भवन निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंता है और जो हमारे पास जानकारी है पूरी, ये संवेदक से काम देने के बदले पैसा मांग रहे थे, लगभग 16 लाख रुपए घूस की मांग कर रहे थे। उसके बाद निगरानी ने इनको रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद जो है कार्रवाई हुई है, जिसमें जो अभी तक जानकारी है करोड़ों रुपए के कैश और गहने और कई सारे फ्लैट के कागजात बरामद हुए हैं। लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है और ऐसे में कई ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं जिन पर लगातार सरकार ने लगाम कसा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है और अभी इस मामले में और भी छानबीन चल रही है।
संजीव ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि पटना में जिस इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, दरअसल रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, तो क्या घूस लेना यानी रिश्वत जो ली जा रही थी वो इस इंजीनियर के घर पर ही ली जा रही थी? क्या इसने जो व्यक्ति है उसे अपने घर पर ही बुलाया था? क्योंकि एक तरफ रंगे हाथों गिरफ्तार होना, दूसरी तरफ कैश बरामद होना, या फिर रंगे हाथ गिरफ्तारी होने के बाद छापेमारी हुई है? देखिए चारू, इसमें जो है जो संवेदक था, जो जानकारी मिल रही है कि लगातार ये तमाम संवेदकों से पैसा मांगते हैं और जो ठेके दिए जाते हैं उसमें करोड़ों के ठेके होते हैं, उसी में संवेदक से लगभग जो जानकारी है 16 लाख रुपए मांग रहे थे और ये निगरानी ये पूरा जाल बिछाए हुए था और निगरानी ने रंगे हाथों इनको लेते पकड़ा है। और ऐसे में उसके पास जो छापेमारी उसके दो बैग मिले जिसमें 25-25 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, 5 किलो के लगभग सोना बरामद है और कई सारे फ्लैट और बेनामी संपत्ति। और लगातार मैं बता दूं कि इनके घर पे जब लोग गिने जा रहे थे तो मशीन मंगाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर है। भले ही सरकार ये कह रही हो कि विकास है और न्याय के साथ विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार बिहार है, लेकिन इन अधिकारियों आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे कितने अधिकारी और पदाधिकारी है कितने विभागों में, और कई इसके पिछले के इतिहास को आप देख लीजिए, कई अधिकारियों के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि सरकार ये पैसा ना, ये आम लोगों का है, ये हमारा और आपका पैसा है, और ऐसे में ये भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी जिन्हें सेवा के लिए रखा जाता है वही इस तरह की हरकतें करते हैं, वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने छोटी उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए और उनको इसी मुस्लिम फॉर्मूले को पालन करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने बातें कही। असम के करीमगंज में एक कार्यक्रम के दौरान AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 कॉलेज खोलेगा। सांसद ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड से अपील की कि वो बोर्ड की ओर से अपनाए गए कॉलेजेस में हिंदू लड़कियों को प्रवेश दें। इस साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं वो लोग। 40 साल से पहले 1-2-3 इल्लीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान का एक तरह से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने समर्थन किया है। सुनिए क्या कुछ कहा तारिक अनवर ने। मेरा ख्याल है कि इसको ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि 18 से 20 साल में शादी कर देनी चाहिए, तो कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। हमारे कानून में इस बात का प्रावधान है कि 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र हो तो वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं समझता हूँ कि अजमल साहब को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए कि कब किसकी शादी होगी। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने आपत्ति जताई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदू सनातन की नीतियों को अपनाओ और एक पत्नी जिसके भी होती है वो 7 जन्मों तक का संबंध होता है। हमारे यहाँ लड़की को या बेटी को, बहन को या पत्नी को कोई खेत और वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि उसको कहा गया हमारे शास्त्रों में अत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है, हम उसे एक सम्मान देते हैं और अपने से ज़्यादा सम्मान। हम भगवान का भी नाम लेते हैं तो पहले सीता और राम बोलते हैं, यानी पहले माँ सीता का
नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं, पहले राधा जी का लेते हैं फिर कृष्ण जी का लेते हैं। तो इसलिए अजमल जैसे लोगों से हमें और हिंदुओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुसंस्कार अपने पास रखें, अगर संस्कार सीखना है तो हिंदू समाज के संतों के पास आए, हिंदुओं से सीखें। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आ रही है। टीएमसी नेता राजकुमार के घर पर धमाका हुआ है, घर में देसी बम बनाने के दौरान ही विस्फोट हुआ है और उसमें दो टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर के भगवान गोला की ये पूरी घटना, टीएमसी नेता राजकुमार के घर पर धमाका हुआ है, बम बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से ये बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी नेता राजकुमार के घर धमाका हुआ है। अब तस्वीरें देखिए और समझिए कि भयानक रहा होगा ये धमाका, जिसमें दो टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। घर के अंदर देसी बम बनाया जा रहा था और उस दौरान ये विस्फोट हो गया। अब समझिए इन तस्वीरों को देखकर कि ये धमाका कितना भयानक रहा होगा। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, देसी बम इस घर में बनाया जा रहा था, बनाने वाला खुद टीएमसी कार्यकर्ता, दो कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत भी हो गई है, दो घायल भी बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर फिर मिले हैं हथियार, एक बार फिर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एक बार फिर से पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर हथियार बरामद किए गए हैं, एक बार फिर से हथियारों का जखीरा मिला है और इसमें 5 असॉल्ट राइफल, 5 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद की गई है। पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए थे और ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में ये हथियार भेजे गए हैं। हालांकि बीएसएफ ने समय रहते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। लगातार पिछले कुछ वक्त से सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं पंजाब में। अब आप देखिए कि पाकिस्तान सीमा पर हथियार फिर से बरामद हुए हैं, हथियारों का जखीरा मिला है। एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। घर में महिला का शव बरामद हुआ है, महिला के साथ लिविन में रह रहा था आरोपी, पंजाब से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में एक और श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जहां पर घर से एक महिला का शव बरामद हुआ है और महिला के लिव इन पार्टनर पर ही हत्या का आरोप लगा है, जिसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की तमाम कड़ियां सुलझाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ एक और मामला जो अब दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब से, घर से महिला का शव बरामद हुआ है, महिला के साथ लिविन में रह रहा था यह आरोपी, जिस पर महिला की हत्या करने का आरोप लगा है। राजधानी दिल्ली में एक और खौफनाक वारदात सामने आई है, महिला की गला रेतकर हत्या की गई है, महिला के लिविन पार्टनर पर ही आरोप लगा है, पंजाब से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, गला काटकर महिला की हत्या। श्रद्धा हत्याकांड की कड़ी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने एक और चुनौती। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से पहले भी न जाने ऐसे कितने मामले रहे, जिनके बाद सवाल उठे कि क्या राजधानी दिल्ली सुरक्षित है, लेकिन अब एक और बानगी जिसने ये बता दिया है कि
देश की राजधानी में कानून व्यवस्था का आलम क्या है, का हाल क्या है। श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है, महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाबुद्दीन रजवी ने आजम खान के भावुक होकर सभा में रोने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को करीब 30 साल से जानता हूं, ये उनका पुराना तरीका है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। आजम खान वोटिंग से चंद दिनों पहले गली गली गांव गांव जाकर आंसू बहाने लगते हैं, रो रो कर जनता से वोट मांगते हैं। और इस दौरान मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि आजम खान को मेरी सलाह है कि वो अब राजनीति छोड़ दें और खुदा को याद करने में लग जाएं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के उन्नाव में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ये बड़ी खबर है। तेज रफ्तार डंपर ने एक दूसरे डंपर को टक्कर मार दी है और डंपर में आग लगने से दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। डंपर की चपेट में आकर एक राहगीर की मौत हो गई है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के चमरौली गांव की ये घटना। डीजल टैंक है, ये दो गाड़ी है, दो भैया पीछे वाली। उन्नाव में आप देखिए रफ्तार का कहर, एक बेकाबू डंपर ने दूसरे डंपर को टक्कर मार दी, दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। इस टक्कर से आग लग गई और उसके बाद दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। डंपर की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत भी हुई है। उधर मुरादाबाद के कांठ में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने नामजद सहित दो अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मामले में पीड़ित के परिजनों ने आक्रोश दिखाया। पीड़िता की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने तीन आरोपियों पर एफआईआर की है, एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखाई जा रही है। दो दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि पीड़िता के परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई जाए, लेकिन दो दिन बाद भी गिरफ्तारी ना होने की वजह से परिजन आक्रोशित हैं। 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मुरादाबाद के कांठ की यह घटना। कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को ऑटो रिक्शा में हुए धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। इसके लिए एजेंसी की तीन टीम मंगलुरु पहुंच गई है। सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपे जा रहे हैं। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद के निर्देश पर मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। मामले का आरोपी और संदिग्ध मोहम्मद शारिक का स्वास्थ्य डॉक्टर्स द्वारा स्थिर बताए जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की।
आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री तनेति वनीता ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना को गोल्डन डक की तरह इस्तेमाल करने वाले चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक चाल चल रहे हैं। जब वो बिना अनुमति के पोलावरम परियोजना का दौरा करने गई तो पुलिस ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू आए दिन नौटंकी कर रहे हैं। चंद्रबाबू को लोगों के पास जाने के बजाय सड़कों पर घूमना चाहिए। उधर कोयंबटूर के फूलों के बाजार में आने वाले फूलों की गुणवत्ता घने कोहरे के कारण खराब हो गई है। इससे चमेली के फूल 2800 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहे हैं। मौसम की मार फूलों पर भी पड़ रही है और अब फूलों की कीमतें बढ़ गई हैं। एक तरफ शादियों का सीजन तो दूसरी तरफ फूलों की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई की मार यहां पर भी नजर आ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ यहां मौसम की मार का ज्यादा असर पड़ रहा है। फूलों की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। बात करते हैं एचआईवी की। भारत में एचआईवी पीड़ितों की संख्या लगभग 24 लाख हो गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने बताया कि दक्षिणी राज्य में PL HIV की संख्या सबसे अधिक है, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सबसे ऊपर है। विश्व एड्स दिवस पर आंध्र प्रदेश एड्स नियंत्रण संगठन ने जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया, जहां कई कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। आज हम लोग सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से और डिफरेंट डिफरेंट विंग से, आर्मी विंग, एयर विंग और नेवी विंग से पूरे कैडेट्स इकट्ठा होके यहाँ पे हम लोग साथ में। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।